नाम पहुंचाना है वहाँ तक। हो सकता है हायर स्टडीज के लिए विदेश जाऊँ, बट लौट के अपने काम के लिए, टेक डेवलपमेंट के लिए एंड कंट्रीब्यूशन के लिए मैं इंडिया में ही रहना चाहूँगा। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा श्रेय तो गॉड को है, देन उसके बाद मेरे पेरेंट्स को, उसके टीचर्स को, एडल्ट सिस्टम को। तो कभी घंटे डिसाइड करके प्रिपरेशन नहीं करी, हमेशा गोल सोच के प्रिपरेशन करें कि आज ये सब कंप्लीट कर देना। भविष्य में जब आप काम करेंगे तो भारत को चुनेंगे या विदेश को, और क्यों, क्या कारण रहेगा? मैं हो सकता है हायर स्टडीज के लिए विदेश जाऊँ, बट लौट के अपने काम के लिए, टेक डेवलपमेंट के लिए एंड कंट्रीब्यूशन के लिए मैं इंडिया में ही रहना चाहूँगा। अच्छा, कोटा फैक्ट्री देखी है आपने, तो उसमें दिखाई जिंदगी और आप लोगों की जिंदगी में कितना मेल है, क्या फर्क आपको लगता है? सर, कोटा फैक्ट्री में से जनरली मैं हॉस्टल में रहता हूँ, घर में रहता, तो घर में रहने के अलग ही डेवलप रहता है, खुद की एक्टिविटीज के आसपास पेरेंट्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, चैट करने के लिए, तो आई गेस काफी डिफरेंस है उसमें और जो घर पर रहकर प्रिपरेशन करते हैं। ये पूरा जो सफर रहा आपका, इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा श्रेय तो गॉड को है, देन उसके बाद मेरे पेरेंट्स को, उसके टीचर्स को, एडल्ट सिस्टम को। तो ये सोच लाइफ प्रिपरेशन नहीं करी, हमेशा ये सपना था कि खुद को प्रूव करना है, इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी में खुद का नाम पहुंचाना है वहाँ तक। तो ये सब गोल रहकर प्रिपरेशन करी थी, बट अब जैसे वन रैंक आ गई, हिस्टोरिक अचीवमेंट है, तो इन सबमें मेन कॉन्ट्रीब्यूशन ब्लेसिंग्स का है, जो मेरे गॉड के एंड पेरेंट्स के, फ्रेंड्स के मोटिवेशन सपोर्ट का। हर रोज कितने घंटे पढ़ाई की, कितने घंटे सोते थे, कितने घंटे माइंड फ्रेश करते थे? तो कभी घंटे डिसाइड करके प्रिपरेशन नहीं करी, हमेशा गोल सोच के प्रिपरेशन करी कि आज ये सब कंप्लीट कर देना है। उसके बाद जब डिस्ट्रेस होने के लिए पेरेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करता था। कोरोना के बुरे दौर में खुद को कैसे संभाला और फोकस बनाए रखा आपने? तो विद ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड इस टाइप की कोई पैंडेमिक सिचुएशन फैमिली पे नहीं आई, तो वो एक काफ़ी प्लस पॉइंट रहा हमारे लिए। उसके बाद धीरे धीरे इन सब ऑनलाइन सबके साथ अडाप्ट होते गए, डिस्कशन ग्रुप्स एंड टीचर्स का इंटरेक्शन बढ़ता गया, धीरे धीरे सर बेसिकली कोई भी प्रॉब्लम के साथ अगर आप अडाप्ट हो जाते हो तो वही एक सक्सेसफुल होने का फर्स्ट स्टेप। जब पढ़ाई से मन उगता जाता था, तब माइंड फ्रेश करने के लिए क्या करते थे आप? मैं फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, छोटे भाई के साथ टाइम स्पेंड करता, फ्रेंड्स के साथ चले जाता घूमने, फैमिली के साथ टेस्ट के बाद चले जाते थे हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे, ये था। कभी कोई इवेंट मिस नहीं किया फ्रेंड्स के बर्थडे। पसंदीदा सब्जेक्ट कौन से हैं आपके, और ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो कम पसंद या ना पसंद है? तो सबसे फेवरेट तो मेरे को फिजिक्स लगता था, एंड शुरू में केमिस्ट्री भी पसंद नहीं आता था बिल्कुल, बट धीरे धीरे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक उनसे लाइक फ्रेंडशिप डेवलप करी, उनमें वर्कअप करा, तो एट लास्ट ये सब्जेक्ट मेरे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई के दौरान परिवार ने कैसे सपोर्ट किया? उनका फुल मोटिवेशन था, फुल सपोर्ट था, कभी लो फील होता तो वो तुरंत रीएनर्जाइज कर देते, घुमा कर ले आते थे घंटा। समाज और रिश्तेदारों की तरफ से जो दबाव रहता है, उससे फायदा होता है या नुकसान होता है, आप क्या मानते हैं? सर, मेरे केस में ऐसा कोई दबाव था ही नहीं, हमेशा पेरेंट्स या कोई भी रिलेटिव थे, किसी तरह का प्रेशर क्रिएट नहीं था। IIT का सपना देखने वाले दूसरे जो बच्चे हैं, उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं ये सलाह देता हूँ कि हमेशा मोटिवेटेड रहे, एनर्जी मेंटेन रखें, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपने पेपर को लिखें, अपनी मिस्टेक्स से वर्क करें एंड लर्निंग एटीट्यूड। अब कौन सी IIT में आप जाना चाहेंगे और क्यों? IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस ब्रांच मेरा ड्रीम है, क्योंकि वो फुल पोटेंशियल देता है आपको एंड आपकी पर्सनैलिटी को फुली डेवलप करता है, जैसे मैंने सीनियर से सुना।